सो लेट लेट्स जस्ट वेट बाकी लोगों को ज्वाइन करने लिखे ठीक है तब तक हम लोग uh, मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे <coughs> अच्छा एक तो मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अबाउट दिस सेशन कि एज यू नो इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डू नॉट यू नो पोस्ट एनी कॉमेंस विच इज हर्टिंग दी सेंटिमेंट ऑफ एनी पर्सन ठीक है या किसी का भी सो प्लीज ट्राइन अवॉइड एंड रिफ्रेन फ्राम डूइंग दैट ठीक है एवरी वन एंड दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि ये सेशन कंप्लीटली अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसको प्लीज़ किसी एक एंगल से ना देखें कि प्रो है या एंटी है जस्ट ट्राइन टू अंडरस्टैंड की यू पी एस सी के या एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से या फिर किसी एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी नहीं एक कॉमन इंसान के परस्पेक्टिव से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या है और क्या कंसर्न है इसके ठीक है तो क्या इश्यूज हैं क्या है और आपको पता है कि इसको लेके वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हम लोग वो समझेंगे कि क्या रीज़न है और प्रोटेस्ट जो लोग कर भी रहे हैं आई थिंक उनको ज़्यादा लोगों को आइडिया भी नहीं है अबाउट कि किस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वी विल नॉट बी एंटी विल नॉट बी बायस्ड ठीक है और प्रो एनी इट इज़ कम्प्लीटली कम्प्लीटली एन अकेडमिक सेशन ठीक है फ्रॉम दर्स्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स ठीक है तो जितने लोग ऑनलाइन हो -फट थम्स थम्सअप दे दो एक बार और जल्दी से विल्स हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को <coughs> So, uh, 2019 जो उस दिन पूरी नहीं हो पाई थी कुछ से तो उसको भी डिस्कस करना है आज तो uh, इसलिए कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी फर्स्ट टाइम लर्नर्स कितने लोग हैं हाँ मतलब मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको डाउट्स है उसके बाद डाउट क्या है स्पेसिफिकली क्या है थोड़े कंसर्न हैं कुछ चीज़ों में लेके कंफ्यूजन है तो वही क्लियर करना मेरा परस्पेक्टिव है आज ठीक है तो चैलेंजेस हाँ पूरे डिस्कस नहीं हो पाए थे वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज डिस्कस करना है क्विकली <laughs> इट डजेंट मैटर इफ इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शल टॉपिक और अ नॉर्मल टॉपिक हमारे लिए कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है हमारे लिए अकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है मैं वही बता रहा हूँ अच्छा दिस क्लास विल भी इन बहुत इंग्लिश एंड हिंदी तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम्स हो ठीक है एंड वी विल ट्राई एंड बी एज ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल जितना न्यूट्रल तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं वैसे डिस्कस करेंगे और फिर से वही बोल रहा हूँ कि लेट्स नॉट बी लिटल बायसड लेट्स नॉट से नीथिंगट कैन हर्ट देंटीमेंट एनी वन तो काफी सारे मेरे फेलो एजुकेटर्स ज्वाइन कर रहे हैं श्रेयास आई होपीखने को मिलेगा आपको भी सो अलॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन सो जितने लोग ऑनलाइन एक बार फटाफट फिर से थम्सअप दे दीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितने फर्स्ट टाइम लर्नर हैं अगर आपको ऐसी और और भी जो मेरे कोर्सेज अटेंड करने हैं तो यू हैव टू फर्स्ट गो एंड फॉलो मी ऑन अकेडमी अन अकेडमी भी जाइए एट द रेट ऑफ दिपॉन्शु डॉट एन डॉट सिंग आई डी है मेरी. तो आपको ये प्रोफाइल मिलेगी वहां पे जाके फॉलो का बटन होता है उसको क्लिक करिए एंड थैंक यू श्रेया मैम ठीक है तो फॉलो क्लिक करेंगे जितने भी मेरे कोर्सेज हैं uh, जिसके जिसको साउंड का इशू है वीडियो का इशू है प्लीज अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लें ठीक है रिफ्रेश करने से आपका क्लियर हो जाएगा जो भी साउंड यानी उसका इशू है तो फॉलो करिए अन अकेडमी में मुझे ताकि आपको सारे जितने मेरे कोर्सेज हैं उनका नोटिफिकेशन एस एम एस के थ्रू आ जाएगा ऑडियो इज नॉट क्लियर आई थिंक ऑडियो इज प्रटी क्लियर एक्सटर्नल माइक यूज कर रहा हूँ मैं इट्स रनिंग फाइन जिसको क्लियर नहीं है प्लीज एक बार अपना जो है पेज को रिफ्रेश कर लें ठीक है एक घंटे क्ला, एक की क्लास होगी है ठीक है uh, मेरे बारे में थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड है uh, और मेरे ये कुछ प्लस कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं तो ये फुल फ्लैज कोर्सेज हैं इंडियन पॉलिटी पे अभी स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में बाकी जोग्राफी पर ऑलरेडी चल रहे हैं एंड uh, कुछ कुछ हैं जो आपके स्पेसिफिकली क्यूरेटेड um, हैं अभी आपके अपकमिंग जो एग्जाम है उसके लिए एक अभी 2021 के लिए बैच लॉन्च हो रहा है तो वो कंप्लीट टू ईयर्स का बैच है सो सम्बडी वो जो वर्किंग प्रोफेशनल है Uh, या फिर जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दोज पीपल इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल ठीक है सारे यूपीएससी के लिए कोर्सेज हैं तो अब आप, आप इन सारे कोर्सेज को जितने भी सारे कोर्सेज हैं उसके लिए आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी है मेरे कोर्सेज और बाकी एजुकेटर के कोर्सेज को रेफर करने के लिए यूज़ करने के लिए आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है अन अकेडमी प्लस पे जाके तो वो यू कैटेगरी में जाएंगे जनरली ट्वेल्व मंथ्स वाला जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है वो जनरली यूजफुल होता है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे आप डी कोड तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड नाउ यू कैन अवेल दोस डिस्काउंट फॉर गेटिंग सब्सक्रिप्शन ठीक है तो uh, ऐसे ही फुल फ्लेजेड कोर्सेज देखने के लिए आप लोग अन अकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और थर्टी सिक्स थाउजेंड में अगर आप देखेंगे सर एनुअली सर एंड मैम आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है विद प्रॉपर नोट्स एंड पर्सनलाइज डाउट सेशन हैं और हर एजुकेटर एक दूसरे को uh, की जितनी क्वेरीज हैं हर लर्नर्स की वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ये जितने भी प्लस जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आपके साथ बहुत सारे ऐसे लर्नर्स और स्टूडेंट्स अभी लाइव है मेरे जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन uh, ले रखे है जिन्होंने और वो वीकली और हर दिन क्लास अटेंड करते दें कितने लोग हैं जो 2021 में एग्जाम दे रहे हैं या 2020 में एग्जाम दे रहे हैं कितने लोग हैं जो 2020 में एग्जाम दे रहे हैं ओके okay. तो 2020 वाले जो हैं वो स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो मेरा एक कोर्स चल रहा है प्लस पर सितंबर uh, हिंदी बैच में जिसमें हम लोग ईयरली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और वो करंट अफेयर्स पूरा 1.5 पॉइंट ईयर्स का कवर होगा तो वो लोग आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उसके उसको करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें इस चीज़ में आई थिंक मेरे बहुत सारे लर्नर्स इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं बाकी जैसा कि मैंने बताया एक ट्वेंटी ट्वेंटी का बैच स्टार्ट हो रहा है ठीक है टू ईयर्स का बैच है तो आप उसको भी देख सकते हो दैट 2021 वाला बैच जो है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी जो बैच है uh, वो क्या है उसमें दो साल के हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है तो उसमें स्पेसिफिकली इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि आपके जितने भी एन हैं या जो भी आपके कोर्सेज हैं uh, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक हो चाहे वो आपके एन uh, सी से हो वो सबको ध्यान में रख के सारे कोर्स को क्यूरेट किया गया है mm. तो अगर आप देखोगे तो इवन जो आपका ये 2021 वाला जो बैच है स्पेशली आई थिंक जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है गाइडेंस की कमी है वो लोग इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं प्रणव एक चीज मैंने हमेशा अपने लर्नर्स को बोली है कि न्यूज जरूर पढ़िए बट हाँ ये कि आपको कुछ और कंपाइलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैंने न्यूज पढ़ने के लिए कभी मना नहीं किया अपने लर्नर्स को क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ना ही सिर्फ जीएस के लिए आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है साथ साथ क्या होता है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको बताना चाहता हूं तो ये आपका जो है टू इयर्स का जो कोर्स है 2021 वाला उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे सी सैट की भी क्लासेस होंगी एंशियंट हिस्ट्री से लेकर सारे टॉपिक्स कवर होंगे तो ये 2021 बैच है अभी 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है तो अगर आपको सब्सक्राइब करना अन अकेडमी पे तो अन अकेडमी पे जाइए ठीक है एंड सब्सक्रिप्शन के पेज पे जाइए वहां पर डी एस टू कोड यूज करना ना भूलें आप लोग इससे क्या होगा कि आपको एक तो डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस क्या होता है कि मेरे स्पेसिफिक लर्नर्स जो हैं उनके बारे में मुझे पता चलता है कि मेरे 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 स्पेसिफिक कौन कौन से लर्नर हैं सो विल गेट एक्सेस टू स्पेशल प्राइवेट ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड बाकी चीज़ों के लिए ठीक है चलिए एनी वे anyway, तो ये लोग आप देख लीजिएगा नीचे भी मैंने मैंशन किया हुआ है कोड क्या है तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा सेंसिटिविटी की वजह से इस टॉपिक के ट्राई एंड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी इनरेवेंट कॉमन ठीक है तो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप देखोगे इंडिया में जो आए है आपको पार्ट टू जो है आपका संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके आर्टिकल पाँच से ग्यारह में अनुच्छेदों में दिया हुआ है सो आर्टिकल फाइव टू इलेवन जो है आपके वो डील करते हैं सिटीजनशिप रिलेटेड क्लॉजेस को इंडिया में आर्टिकल फाइव अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली वो बोलता है अबाउट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कमेंस हुआ आफ्टर दी कमेंसमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन और इसमें जो आर्टिकल ग्यारह है अनुच्छेद ग्यारह जो है ये स्पेसिफिकली पावर देता है आपके पार्लियामेंट को कि वो सिटीजनशिप के लॉ को बना सकते हैं और उसको सब्सिक्वेंटली अमेंड या चेंज कर सकते हैं ये इसलिए जरूरी था बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन और डिबेट चल रहा था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बाकी लोगों ने भी चीज़ सोची कि जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो फ्यूचर के टाइम में भी वैसी रहेगी जैसी आज के टाइम में सिटीजनशिप देने के लिए तो अल्टीमेट पावर जो सिटीजनशिप देने की है वो आपकी जो है पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए इसीलिए आप देखोगे जो जो ये पावर है पार्लियामेंट की टू मेक लॉज ये आपके यूनियन लिस्ट में आती है तो इसमें आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको ये नहीं बोल सकता कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर ही नहीं है तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सर एंड मैम Uh, एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया में भी चलती हैं जो क्लैरिटी नहीं देती हैं और स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फेक न्यूज़ चलती है उस पर विश्वास ना करें अपनी नॉलेज पे विश्वास करें ठीक है और ऐसे लेक्चर्स अटेंड करें टीचरों के जो यू नो हु कैन गाइड यू अबाउट द रियालिटी ऑफ लाइफ तो यूनियन लिस्ट का यूनियन लिस्ट का पार्ट है ये इनको स्टेट गवर्नमेंट चाह के भी नहीं रोक सकती क्योंकि सिटीजनशिप एज अ कॉन्सेप्ट आपका जो है आपके पूरे इंटायर नेशन के लिए है ना कि किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए आप रेसिडेंट हो सकते हो ठीक है यू कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट बट सिटीजन आप इंडिया के ही हो इसलिए इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज में है यहाँ पे आप इंडिया के सिटीजन हो और इंडिया के सिटीजन रहोगे और आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट और टेरिटरी में जाकर रिजाइड और सेटल कर सकते हो प्रोवाइडेड वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है जैसे कुछ कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन रहता जिस है जिसको हम बोलते हैं आर या आई जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्लास में तो इस क्लास में ठीक है Uh, जो डिस्कशन होगा आज अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसमें जो हम मेजर मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एनआरसी से कैसे लिंक्ड है वो आईएलपी से कैसे लिंक्ड है वो आपके बाकी एरियाज जैसे हो गए जैसे सिक्स शेड्यूल एरियाज उनसे कैसे लिंक्ड है और क्या इंटरलिंकिंग पॉइंट है और क्या इश्यूज हैं इसके और क्या कंसर्न है इन सब चीज़ों को हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे तो सब पेशेंटली सुनिएगा कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बीच में पूछिएगा यू आर फ्री टू आस्क यू क्वेश्चन बट अगर आप पेशेंटली सुनोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स को कैसे करता वन इट इज नॉट जस्ट मुस्लिम ठीक है सबको ही अफेक्ट करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज हम क्लास में ठीक है तो सिटीजनशिप आपको ऐसे गवर्न की जाती है और कंफर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप जो मैंने बताया ये आपके पांच से ग्यारह आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के यहां से मिलती है उसके अलावा गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है सिटीजनशिप के ऊपर लेजिस्लेट करने की या लॉ बनाने की तो सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया और 1955 में बनाया गया जो अभी तक चल रहा है और अभी वही कंटिन्यू हो रहा है तो आपने सुना होगा जो 2019 का कैब है जो बिल था वो एक्ट एक्ट बन चुका है उसने सिटीजनशिप 1955 को पूरा अमेंड नहीं किया है उसने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन को चेंजेस किए हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे जिसको लेके शायद इशू हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे तो उसने सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 को अमेंड किया गया है ंडर ट्वेंटीन एक्ट तो इसीलिए आपने सुना होगा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्योंकि सी ए जनरली आदत होती है लोगों की बोलने की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है बहुत स्पेसिफिक होता है अंडर आर्टिकल थ्री ठीक है वो आप स्पेसिफिक कंडीशन में ही करते हो इट इज अटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें एक नॉर्मल पार्लियामेंट्री लॉ को अमेंड किया गया है और उसमें भी सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए उन चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहली बार अमेंड नहीं हुआ है जो लोगों को इतना uh, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है इसको मल्टीपल टाइम अमेंड किया गया है 55 को अमेंड किया गया था 86 में ठीक है कुछ सर्टेन चीजों को फिर 92 में अमेंड किया गया फिर 2003 में अमेंड किया गया 2005 में अमेंड किया गया और फाइनली दो में इसको अमेंड किया गया तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रोविजन अमेंड किए गए तो जो अभी आज का जो अमेंडमेंट है उसने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है दो हजार जो आपके ट्वेंटी है स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं उसको नेचुरलाइजेशन क्लॉज को तो अब ये नेचुरलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टेरिटरी में इंडिया के आपको सिटीजनशिप मिल कैसे सकती है आप सिटीजन बन कैसे सकते हो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वेलकम है आप लोगों के लिए ठीक है सो अभी जस्ट स्टार्टड डिस्कसिंग अभी सिर्फ हम लोग ये डिस्कस करें किटिजनशिप कैसे मिल सकती है अभी हम लोग प्रोविजन ऑफ द बिल में नहीं गए हैं सो आप लोग काफी सही टाइम पे आ गए हो निखिल अभी एलकम टू अर पॉइंट ठीक है लेट्स गो बाई स्टेप बाई स्टेप ठीक है चीज़ों में जाएंगे तो हर हर बार कुछ ना कुछ देखो ओसीआई आपने सुना होगा ओवरसीज ऑफ इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इनसे चीजों को लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है बार बार चेंज किया गया जो मैंने आपको बताया ये नाइनटीन एटी सिक्सेंड थ्री टू 2003, 2005 ये सब क्या है ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस को अमेंड करने के लिए किया गया अभी जो आप लोग सुन रहे हो जो 2019 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है ये स्पेसिफिकली 1955 के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को अमेंड करता है स्पेसिफिकली अगर आप देखो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन तो इंडिया में आप सिटीज़न कैसे बन सकते हो या तो आप यहां पैदा हुए हो ठीक है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी रहे हो तो या या तो आप पहले से रह रहे हो या फिर आप इंडिया में पैदा हो ठीक है सिटीजनशिप बाई बर्थ मिलेगी आपको या फिर आपको मिलेगी सिटीजनशिप बाई डिसेंट कि आपके पापा परदादा दादा कोई यहाँ पे जो है आपके इंडियन केस इंडिया के सिटीज़न रहे हो या फिर सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन हो सकती है कि आप जो है आ, किसी तरीके से आपने आ, इंडियन से शादी कर ली है यू कैन रजिस्टर फॉर अ सर्टेन पीरियड टाइम तो इसमें भी बड़े डिटेल्ड प्रोविजन है जो हमें याद करने की जरूरत नहीं है इवन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू और नॉर्मल भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कब कब क्या क्या कंडीशन है है क्या नहीं है, क्या कंडीशन कंडीशन नहीं हो सकती है क्योंकि आपको ये सब काम नहीं करना है ये एमएचए के ऑफिसर्स का काम है ठीक है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जनरली किस किस क्राइटेरिया में सिटीजनशिप मिल सकती है जो लास्ट क्राइटेरिया है नेचुरलाइजेशन इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड स्टे मतलब कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो लीगली रह रहे हो इंडिया में अगर आप लीगली रह रहे हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो आप कुछ सालों बाद इंडिया में अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन उसको बोला जाता है एक्सटेंडेड स्टे भी तो लीगली रहना बहुत ज़रूरी है आप अगर लीगली रह रहे हो तभी इस चीज़ को समझ सकते हो मैं लीगली वर्ड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ उसकी उसकी इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि, कि मैं लीगली लीगली बार बार क्यों बोल रहा हूँ ठीक है तो लीगली के बारे में आते हैं उसके पहले आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ये कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है अबाउट पी आई ओ वर्सेज ओ सी आई दो टाइप के आपके एक कार्ड इशू होते हैं तो खैर ये तो आप चेंज हो गया है, तो पी आई ओ और ओ सी आई कार्ड को अब मर्ज कर दिया गया है तो लेकिन कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर ये एन आर आई में और ओ सी आई में क्या डिफरेंस होता है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो एक्चुअली में इंडियन सिटीजन नहीं होता वो फॉरन नेशनल होता है जिसके पास फॉरन कंट्री का पासपोर्ट है बट वो कहीं ना कहीं वो अपना ट्रेस कर सकता है लीनियर या फिर कह सकते हो एंसेस्ट्री किसी इंडियन सिटीज़न को तो ये ओवरसीटीज़न ऑफ़ इंडिया जो है इनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है और बाद में ये इनको वीज़ा भी मिलते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा आने जाने के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट के लिए ऑन दी अदर हैंड जो एन होते हैं एन क्या होते हैं कि वो इंडियंज ही होते हैं जो बाहर रह रहे होते हैं उन्हें पीरियोडिकली जा जाके इंडियन एम्बेसी में बताना पड़ता है कि देखो हम अभी भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और हम अभी भी इंडियंस हैं हमने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले ली है हमारा वीज़ा रिन्यू कर दो तो इन लोग को बार बार अपना वीज़ा रिन्यू कराना पड़ता है ठीक है तो एनआरआईज का मतलब फॉरनर नहीं होते हैं एनआरआईज हो सकता है मान लो कोई यहाँ से दुबई काम करने का दस साल से दुबई में रहना है बट उनको पीरियोडिकली बार बार एम्बेसी में जाके अपना जो है वीज़ा दे हैव टू गेट इट रिन्यूड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट एन इंडियन नेशनल बट वो कहीं ना कहीं अपने पापा मम्मी या जो दादा दादी कहीं से वो रिलेट कर सकता है कि उसकी जो डिसेंट जो डिसेंट है या जो लीनियज है दैट इज़ इंडियन तो ओ के लिए काफ़ी इंडिया ने आजकल प्लेटफॉर्म्स ओपन कर दिए हैं ठीक है काफी क्योंकि हमें डायस्पोरा इतना बड़ा है टैप करना है और इतने लोग सक्सेसफुल हैं तो वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी काफ़ी हेल्प करते हैं यहां तक सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्लैरिटी क्लियर जिनको जिनको समझ में आ रहा है फटाफट थम्सअप दे दो सो दैट वी कैन मूव है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जितने लोग ऑनलाइन है फटाफट दो प्लीज किसी को लैंग्वेज से प्रॉब्लम है एनी बडी है लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैंने आपको बोला कि सिटीजनशिप इंडिया में और यह चीज मैंने देखा था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी काफी डिस्कशन चल रहा था सोहेब ऑनलाइन हो क्या आप सोहेब आर यू ऑनलाइन राइट रैटना सोहेब आकाश अट्री एल्स तो ये चीज़ क्या मैंने नोटिस करी मैंने कई बार बताया कि इंडिया में आप इलीगल माइग्रेंट हो गए अगर <coughs> बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड इीगल माइग्रेंट कैन नेवर बिकम ठीक है ये चीज पहले तो आप लोग ये समझो जो लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं है ठीक है मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोग को जितने लोग नहीं हो टेलीग्राम पे प्लीज उसको ज्वाइन कर लो ठीक है ये टेलीग्राम ग्रुप नोट हैं या कोई जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते रहता हूँ तो ये मैंने एक पिन कर दिया है कॉमेंट सेक्शन में इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक बार आप जब प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको प्राइवेट ग्रुप का अपना लिंक दे दूँगा जहाँ पर हम लोग जो जितने मेरे अन अकेडमी प्लस के लर्नर्स हैं उन लोग के लिए मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करता रहता तो, हूँ बाकी ये सबके लिए ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो तो आ, सर ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं पुष्कर जी ठीक है इलीगल माइग्रेंट जो मैंने आपको बताया मैं बार बार इस वर्ड पे स्ट्रेस कर रहा हूं इलीगल माइग्रेंट जो है वो कभी भी सिटीजन नहीं बन सकते वो अप्लाई भी नहीं कर सकते इलीगल माइग्रेंट को सीधे अरेस्ट किया जाएगा और उसको या तो अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा डिटेंशन सेंटर में या फिर उनको दूसरी कंट्री जहां से आए वहां डिपोर्ट कर दिया जाएगा ये होता है एक जनरल रूल तो इलीगल माइग्रेंट कभी भी कभी भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते अब आते हैं हम इस डेफिनेशन पे कि इलीगल माइग्रेंट होते कौन है इलीगल माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो किसी भी कंट्री में विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट आते हैं जैसे मान लीजिए आप इंडिया में विदाउट डॉक्यूमेंट आए मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट नहीं है प्रॉपर या पासपोर्ट भी है लेकिन प्रॉपर वीजा नहीं है ठीक है पासपोर्ट है या पासपोर्ट हो सकता है तो वीज़ा नहीं है या पासपोर्ट ही नहीं है और उसके बाद भी मान लो वंस यू एंटर्ड लीगली ऑल्सो बट उसके बाद अगर वीजा एक्सपायर हो गया वीज़ा एक्सपायर करने के बाद भी अगर आप रह रहे हो इंडिया में तो भी आप इलीगल माइग्रेंट तो दोनों तरीके से आप इलीगल माइग्रेंट हो सकते हो ठीक है यहां पर सर ध्यान दीजिए सरन मैम कैसे आप इलीगल माइग्रेंट बनोगे सो एन इलीगल माइग्रेंट इज अ फॉरनर फॉरनर हु आदर एंटर्स इंडिया इलीगली विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स लाइक अ वीजा इन अ पासपोर्ट और एंटर्स इंडिया लीगली बट स्टेज बियॉन्ड द टाइम पीरियड परमिटेड इन द डॉक्यूमेंट तो या तो आप विदाउट डॉक्यूमेंट आए हो या तो पासपोर्ट नहीं है प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर पासपोर्ट और प्रॉपर वीजा के साथ आए हो लेकिन आपका वीजा हो चुका है एक्सपायर बट यू कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज तो आप हो इीगल माइग्रेंट अगर आपको पकड़ा गया एज एन इन माइग्रेंट तो पहले आपके अंडर केस चलता है थ्रू अंडर द दस एक्ट ऑफ नाइनटीन और पासपोर्ट एंट्री टू तो इंडिया एक्ट नाइनटीन ये दोनों केसेस के थ्रू अंडर आपके ऊपर केस चलेगा और आपको अरेस्ट करके वापस भेज दिया जाएगा या तो जहां जिस कंट्री से आप आए हो अगर वो कंट्री आपको लेने के लिए तैयार नहीं है तो सर आप इंडिया की जेल में बंद रहोगे पहली चीज तो ये है इलीगल माइग्रेंट्स की तो इल्लीगल माइग्रेंट्स जो है किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में कभी भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते पॉइंट We, we'll पे अभी विल बिल्ड द बेस तो पहले ये चीज ये है लेट मी नो इफ यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट इज हु इज एन इललीगल माइग्रेंट सबको समझ में आया इललीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं ये पॉइंट समझ में आया क्लियर है सबको ठीक है अब इललीगल माइग्रेंट्स कभी भी नहीं अप्लाई कर सकते ना किसी भी तरीके से उनको मिल सकता है इसीलिए अब क्या हुआ 2015 में अब याद बहुत ध्यान से सुनिएगा सुनिएगा 2015 में और उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू किया उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीन कंट्री से अगर ये रिलीजियस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं इंडिया में तो ये इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहला जाएंगे सो द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेंटेड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बींग और डिपोर्टेड कहने का मतलब ये था दैट दीज स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज कमिंग फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज आफ्टर ट्वेंटी फिफ्टीन विल नॉट बी कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट इवन दो आर इलीगल माइग्रेंट एंटरिंग एज एन इन लीगल माइग्रेंट इन इंडिया टेक्निकली स्पीकिंग देवर मेड लीगल बट अगर आप देखोगे लॉ के टर्म्स में तो वो लीगल माइग्रेंट्स नहीं कहलाए जा सकते उनको आप रेफ्यूजी बोल सकते हो समझ हो आप लोग चीज दैट इज दमिंग टू सोइब ठीक है रेफ्यूजी को डिपोर्ट करना नहीं करना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एक ऑफिशियल रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है रेफ्यूजीज को इंडिया में रखा जा सकता है नहीं रखा जा सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करता है और वो पेस केस टू केस बेसिस पे होता है इसीलिए आप देखोगे इंडिया में तिब्बतन रेफ्यूजीज रहते हैं क्या हम उनको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं नहीं बोलते हैं ना वो लोग फ्रीली अपना बिजनेस करते हैं अपना काम करते हैं तिब्बतन रेफ्यूजीज जो हैं वो पूरे अलाउड है पूरे इंडिया में कहीं पर भी रहने के लिए ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको समझने की जरूरत है तो एक बार आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आप इलिगल माइग्रेंट नहीं हो भले ही आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ नहीं आए थे दैट मीन नाउ यू आर अ रेफ्यूजी सो ये समझ में आया डिफरेंस सो कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी उसका राशन कार्ड बन सकता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है ये सब डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अलाउ कर सकती है बट इलिगल माइग्रेंट का नहीं बने

इंडिया में सिटीजनशिप देना इज टोटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट राइट सो इट इज देयर पॉलिसी बिकॉज द सिटीजनशिप एक्ट क्लियरली सेज एन इलीगल माइग्रेंट कैन नेवर बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया सो दैट मींस एनी हु इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट कैन बिकम अ सिटीजन आर यू गेटिंग द पॉइंट सो वहां पर लॉ बोलता है इलीगल माइग्रेंट कैन नेवर बिकम अ सिटीजन so that means somebody who is not an illegal migrant can definitely become a citizen. did you get the point? so in september 2015-16, the government of india clarified that people from these six religious communities under the citizenship act will now, and under the foreigners and the passport entry act, will no longer be illegal migrants. so that means now, in a way, they are creating a process for giving them citizenship. habitat, they were not given citizenship. they are now, as of now, refugees.

एक्चुअली में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही हटा दिया था उसको क्लॉज को 2015 एंड 16 में क्लियर अब उन्होंने बोला कि नाउ पीपल फ्रॉम दिस सिक्स कम्युनिटीज फ्रॉम थ्री कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ठीक है तो इनको बस ये बताना है अपने फॉर्म में भरना है दैट दे आर रिलीजियसली परसिक्यूटेड रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है इनका हमारा इस कंट्री से हम भाग के आए अभी हम उस पॉइंट पे भी जाएंगे कि ये क्यों कंट्रोवर्शियल है थोड़ा अच्छा अब पहले आते हैं कि कहां कहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो पहला तो चीज ये है मे बिक वी डोंट हैव प्रोविजन फॉर गिविंग नोट्स इन स्पेशल क्लासेस इट इज ओनली फॉर द प्लस दैट यू गेट नोट्स ठीक है सो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वुड नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम मेघालय मिजोरम एंड त्रिपुरा एज इट इज इंक्लूडेड इन द दिक्स शेड्यूल तो पहला है कि शेड्यूल जो है आपका uh, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा जहां जहां सिक्स शेड्यूल एरियाज हैं और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एल पी एरियाज में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो आई एल पी जो है इनर लाइन परमिट ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट एटीन सेवेंटी थ्री के अंदर एप्लीकेबल होता है अप्लाई किया जाता है ब्रिटिशर्स इसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने आई एल पी क्योंकि उस समय प्लांटेशन लेबर हुआ करते थे म्यांमार और बांग्लादेश से आए थे तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे जो इंडिजिनस जो लोग हैं वो लोग हमारी जो डेमोग्राफी है वो इफेक्ट हो रही है यहाँ से बाहर से आउटसाइडर आ रहे हैं हमारा कल्चर खराब हो रहा है कल्चर इफेक्ट हो रहा है तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये लोग जो आएंगे वो टेम्प्ररी पीरियड के लिए ही रह सकते हैं दे के नॉट रिजाइड रिजाइड एंड सेटल परमानेंटली अंडर आई अब आई के अंडर आपको पता होगा इवन मणिपुर भी इंक्लूड कर लिया गया आफ्टर ट्वेंटी ठीक है मणिपुर नहीं था पहले अब मणिपुर भी आई के अंडर आता है तो दैट इफेक्टिवली मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मिजोरम जहां आई था है और मणिपुर भी है अब आई के अंडर अब पहले इसको समझो कि यहाँ हो क्या रहा है तो ये है आपका सिक्स शेड्यूल एरिया जो जो आपको दिख रहा है यहां पे ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिक्स शेड्यूल एरिया में आता है ठीक है सिक्स शेड्यूल एरियाज आपके असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में है इन स्टार स्टेट्स में है और इनमें भी कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्स हैं जिनको हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं नितिन एक बार आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लोगे उसके बाद आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो जितनी बार चाहो देख सकते हो अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो ठीक है तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन कौन से हैं तो ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है और उन ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको हमने पावर दे दी है लेजिस्लेशन बनाने की लॉ बनाने की ऑन सर्टेन मैटर और अपनी जुडिशियल पावर भी दे दी है तो बेसिकली ये बाकी स्टेट से थोड़े ज्यादा पावरफुल है ऑटोनॉमी ज्यादा मिली हुई हमें

अब ये चार स्टेट ऐसे हैं जहां पे भी ये सी ए बी या सी एप्लीकेबल नहीं है ठीक तो फिर भी ये त्रिपुरा क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है या त्रिपुरा के स्टेट के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां तो एप्लीकेबल ही नहीं है उसका रीजन ये है सर मैम कि त्रिपुरा का जो ग्रीन एरिया आप छोड़ दो जो ग्रे एरिया है जो ग्रे पोर्शन आपका है ये एरिया बांग्लादेश को बॉर्डर करता है एंड इस एरिया में आपका सी ए बी या सी एप्लीकेबल होगा तो इसीलिए मैंने बोला सिक्स शेड्यूल एरिया में सिक्स शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेबल नहीं है ये ये वो में एप्लीकेबल है जैसे मान लो असम का जो ये ग्रे वाला एरिया है ठीक है ये जहां पे आपका ये सब एरियाज आते हैं डिब्रूगढ़ असम का जो पार्ट है वहां पे सी ए बी एप्लीकेबल होगा तो पूरा स्टेट नहीं है सिक्स शेड्यूल के अंदर स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल के अंदर है जहां पे इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा और ये इसलिए किया गया प्रोबेबली गवर्नमेंट ने प्रोबेबली इसलिए सोचा कि नॉर्थ ईस्ट वैसे भी बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है और वहां पे अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है आपको ऑलरेडी पता है कि नागा पीस अकॉर्ड का इशू चल रहा है नागालैंड में अगर वहां पर एप्लीकेबल करते थे तो और इशू बढ़ सकता था और दूसरा इशू यह भी है कि आप देखोगे मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट जो आएंगे वो यहां से आएंगे

छह महीने से ज्यादा ऑन अ केस टू केस बेसिस किसी भी स्टेट में जहां पे आई लगा हुआ है आप रह नहीं सकते प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते ना आप उस स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट बन सकते हो भले ही आप इंडियन सिटीजन क्यों ना हो तो मैं भी कल जाके अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सेटल होना चाहूंगा मैं सेटल नहीं हो सकता मुझे बार बार ये परमिट रिन्यू कराना पड़ेगा तो यहाँ पे जो इन लोगों का कंसर्न था कि अरे कल इन लोगों को हमने अगर सिटीजनशिप दे दी तो ये सारे लोग आके हमारे स्टेट में रिजाइड कर जाएंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ये लोग भले ही जाके टेम्परे पीरियड के लिए रह सकते हैं हां ये जरूर है एक कंसर्न ये जरूर है कि इन लोग को वोटर आई कार्ड मिल जाएगा जिससे ये लोग वोटिंग में तो जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं दैट इज वन पॉइंट विचाई के नगरी कंसर्न अभी भी इन लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को दिस कंसर्न इज देयर दैट दीज पीपल आर नॉट सिटीजन एंड इवन इफ दे बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया दे कैन गो इन टू दीज स्टेट एंड रिजाइड फॉर सम टाइम अंडर आई एल पी

वहां पे आईएलपी लेना पड़ेगा तभी आप जा सकते हो क्योंकि आपके हर बॉर्डर पे हर शहर में पुलिस चेक करती है आईएलपी एल मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तो आईएलपी स्टेट्स में जाके आप परमानेंटली नहीं रह सकते पॉइंट ये है यू कैन नेवर स्टे परमानेंटली यू कैन नॉट अ प्रॉपर्टी हाँ यू कैन गेट अ वोटर आई कार्ड एंड यू कैन बेसिकली वोट इन इलेक्शन

अच्छा जितने जितने लोगों ने क्लास में अभी ज्वाइन कर लिया है वापस से एक बार थम्सअप दे दो जस्ट वांट टू सी क्योंकि ये क्लास मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लोग इस इसका एंटिसिपेट कर रहे थे सर डिपोर्ट क्या करना है पुलिस अरेस्ट करेगी आपको भेज देगी अपनी कंट्री ट्रेन में फ्लाइट में जैसे भेजना है या आपको डिटेंशन कैंप क्यांग, में डाल दिया जाएगा ठीक है जी तो सिक्स शेड्यूल आई एल पी आपको समझ में आया अब हम बढ़ते हैं आगे अब कंट्रोवर्सी क्यों है इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी सर मैम इसलिए है कि जो ये सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं लोग जिनको हम अब इलीगल माइग्रेंट तो नहीं बोलेंगे वी कैन से समाइम सम वॉट रेफ्यूजी ये लोग क्या हैं कि नेचुरलाइजेशन के अंडर क्या होता है देखो अब लॉजिक सिंपल सा ये है कि इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री एनी रिलीजन आपको इंडिया में नेचुरलाइजेशन क्लॉज के अंदर सिटीजनशिप मिल सकती है अगर आप ग्यारह साल रह रहे हो इंडिया में ठीक है यह पहले आप चीज समझो और यह चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि प्री सी ए बी या सी एंड पोस्ट सी ए में डिफरेंस क्या अबाउट दिस पॉइंट यहां पर एनी पर्सन of any religion from any country और एक clause in नेचुरइजेशन can apply for citizenship बट 11 साल क्राइटेरिया रहता है आपका कि आपको इंडिया में 11 साल रहना होना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करने के लिए 12 महीने आप रेजिडेंट होने चाहिए ठीक है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको बता दूं ठीक है एनी पर्सन एनी रिलीजन एनी कंट्री प्री सी ए ठीक पोस्ट सी क्या हो गया जो ये सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज है फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज हा आर ओ आर, आर पॉइंट पेट उनको ये ग्यारह साल से हटा के पांच साल रिड्यूस कर दिया गया तो आपको ग्यारह साल रेजिडेंट होने की जरूरत नहीं है इंडिया में आप पांच साल रहोगे देन यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ये एक बहुत बड़ा चेंज है बट 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 एक चीज आप ध्यान दो जो बहुत लोग शायद कंफ्यूज कर रहे हैं कि अभी भी मुस्लिम्स को रोका नहीं गया सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए ये नहीं बोल रहे हैं कि मुस्लिम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर अ नॉन और बेसिकली बेसिकलीज कम्युनिटी मुस्लिम्स कैन स्टिल अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन बट उनके लिए 11 साल क्राइटेरिया रहेगा दिस क्लॉज हैज नॉट बीन डिलीटेड अगर आप मुस्लिम हो और किसी भी कंट्री से आ रहे हो लीगली आ रहे हो सर एंड मैम देखो पहली चीज तो आप ये लोग याद ध्यान रख लो कि मैंने आपको बार बार ये चीज पे स्ट्रेस करो कि लीगली आप आने चाहिए मतलब आप लीगली वीजा लेके आ रहे हो पासपोर्ट लेके आ रहे हो प्रॉपर और इंडिया में रह रहे हो ग्यारह साल तक आप अप्लाई करो सिटीजनशिप के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको ये चीज बहुत लोग नहीं समझ रहे और बहुत लोगों को पता नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बोला है कि हम आपकी सिटीजनशिप छीन रहे हैं या फिर आपको नहीं अप्लाई करने देंगे उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर आप

ठीक है इज दिस क्लियर दीपांशु कटारिया अगर आप वीजा लेके आए हुए हो लीगली ठीक है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हो आप प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉब कर रहे हो तो आप क्या लीगली नहीं रह रहे हो ग्यारह साल आप बार बार वीजा रिन्यू कराते रहो अपना कौन मना कर रहा आपको एनआरआई नहीं रहते हैं बाकी कंट्रीज में इंडिया के लीगली बेसिक पॉइंट लीगली रहने चाहिए आप क्योंकि इलिगली आप अभी भी अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है अब हम आते हैं इस पॉइंट पे ठीक है तो ये जो 11 साल वाला क्राइटेरिया है वो पाँच साल कर दिया गया फॉर दीज सिक्स कम्युनिटीज अब आता हूं मैं आपके एनआरसी वाले पॉइंट पे और ये अकॉर्ड वाले अकॉर्ड वाले पॉइंट पे जो कि बहुत क्रूशल है समझने के लिए कोई असाम से ऑनलाइन है साइन इज एनी बडी फ्राम असाम और एनी बडी है समबडी फ्राम हेयर फ्राम असैम राइट नाउ इन द क्लास अगर इंटरनेट चल रहा है वहां पर तो आई एम नॉट वेरी श्योर दो गुहाटी हाईकोर्ट ने बोला है इंटरनेट री स्टोर करने के लिए बट आई डोंक सो देर लाइफ बट एनी वे कमिंग बैक टू दी अदर कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट ठीक है जो बिल का थोड़ा प्रॉब्लम लगता है लोगों को शायद पता नहीं इस बारे में वो है अबाउट असैम रिकॉर्ड तो अभी तक हमने सी ए बी में आई विल कम टू आई विल कम टू ऑल ऑफ दिस things. अभी हम लोग इशूज और कंसर्न पे नहीं अभी तो हम बिल समझने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक ये क्लास एक घंटे से ज्यादा चलेगी बिकॉज ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्ट है तो आई थिंक थोड़ी क्लास स्ट्रेच करनी पड़ेगी एनी वे लेट सी तो सी ए में हमने अभी लिंक देखा कि आई एल पी का लिंक क्या है हमने ये देखा कि हमारा सिक्स शेड्यूल का लिंक क्या है कि यहाँ पर क्यों एप्लीकेबल नहीं है अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट लिंक जो है एनआरसी और एस एम ये हमने समझ लिया ये हमने समझ लिया ठीक है

तो बहुत सारे बांग्लादेश से बंगाली हिंदू आ गए असम में और वहां पे आके सेटल हो गए जो कि इलीगल माइग्रेंट्स ही हैं टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि विदाउट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आए थे बट वहां पे क्या किया वो लेबर बन गए ठीक है दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी तो वो किसी ना किसी तरीके से वहां पे आ गए बट हुआ क्या कि इतने ज्यादा आ गए कि असम में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए तो ऑल इंडिया ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसमें जो इस समय आपके जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं असम के सोनोवाल जी सर्बानंद सोनोवाल एट दैट टाइम उन्होंने वो मूवमेंट को लीड किया था सो so, सर्बानंद सोनोवाल लेड दैट मूवमेंट और उनका पॉइंट ये था कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट आए हैं बांग्लादेश से उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो उनको सर को सब सबको आइडेंटिफाई करो और उनको वापस भेजो क्योंकि हमारे की जो हमारी जो, कर, जो स्टेट की डेमोग्राफी है जो कल्चर है वो खराब हो रहा है इंडिजिनस एसमीज जो लोकली जो पहले से ओरिजिनली एसमीज रहे हमारा कल्चर खराब हो रहा है

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी गवर्नमेंट है वहां की वो आपकी इंडिजिनस एसमीज लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करेगी बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं अभी इंडिजिनस एसमीज कौन है लोकल एसमीज कौन है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन इंडिजिनस एसमीज है अपार्ट फ्रॉम द वन हुआ रिजाइडिंग ट्राइबल जो रह रहे हैं तो अब गवर्नमेंट ने बोला कैसे आइडेंटिफाई करे क्लॉज सिक्स में बोला गया कि ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे इंडिजिनस एसमीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा वो तरीका आइडेंटिफाई करने का था एनआरसी तो एनआरसी लिखा नहीं हुआ है अब अगर, अगर आप देखोगे ठीक है आप जाओ इसमें जो पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूं अबाउट दिस क्लॉज ऑफ असाम अकॉर्ड असम अकॉर्ड का पॉइंट सिटीजनशिप कट ऑफ डेट

टू क्वेश्चन तो पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा रहा है एनआरसी और इसीलिए उसकी कट ऑफ डेट रखी गई ट्वेंटी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ था जब ये सारे रेफ्यूजीज बेसिकली इीगल माइग्रेंट भाग के आए थे वहां तो पे तो अब क्या हो रहा है सर इसमें इन एनआरसी कि असम में एनआरसी हो रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए हु केम आफ्टर ट्वेंटी फोर्थ मार्च 1971 जो इसके बाद आए हैं ठीक है अगर आप प्रूव नहीं कर पाए अगर आप प्रूव इसको बहुत ध्यान से सुनना इफ यू हैव कम लेटर देन ट्वेंटी फोर्थ मार्च नाइनटीन सेवेंटी वन आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपको इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा ठीक है इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर आप जाओगे अपना केस लेके फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में और अगर उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम यहां पे यह है कि इवन लेजिटिमेट इंडियन सिटीजन अगर प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो लोग इसके बाद आए थे या इसके पहले से रह रहे हैं उनको भी ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा इसीलिए आपका क्या हुआ है आपने सुना होगा सनाउल्ला जी जो इंडियन आर्मी में थे या फकरुद्दीन अली अहमद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनकी फैमिली में उनके भतीजे को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो एनआरसी में उनका नाम नहीं है प्रॉब्लम इतनी है कि अगर आप भी हो NRC, जो मेंटेन होता है आप असाम से आपको बाहर जाना पड़ेगा रजिस्टर फॉर सिटीजन तो एक तो था आपके माइग्रेंट के लिए माइग्रेंट तो बाहर जाएंगे जाएंगे अगर आप इंडियन सिटीजन भी हो सर अगर मैं भी असाम में रह रहा हूं पहले से बट मैं डॉक्यूमेंट में प्रूव नहीं कर पा रहा हूं स्टे इन असैम आई विल है फॉरनर्स ट्राइब दिस इज द इशू और ये इसलिए थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है एनआरसी अभी सिर्फ असाम के लिए हो रहा है बट ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि पूरे इंडिया के लिए होगा जो बहुत ही करना एक इम्पॉसिबल सी बात है पहले आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पहले ये समझ में आया ये पॉइंट समझ में आया सबको क्लियर है कि इशू क्या है इसमें तो अगर क्लॉज सिक्स ऑफ एसआए अकॉर्ड बोलता है कि आपको इंडिजिनस एसएम लोगों को प्रोटेक्ट करना है आज इंडिजिनस एस लोग कौन है हमें नहीं पता आपको नहीं पता किसी को नहीं पता तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया कि भाई एनआरसी किया जाएगा एनआरसी में क्या है देखा जाएगा डॉक्यूमेंट से आप प्रूव करो कि आप यहाँ के सिटीजन थे इस डेट के पहले या इस डेट के बाद अगर आप ट्वेंटी मार्च नाइनटीन के बाद आए हो असम में तो आपको भेजा जाएगा वापस या फिर अगर आप इंडियन सिटीजन भी हो तो आप अपना केस जाके लड़ो फॉरनर ट्राइब्यूनल में या तो आप असम छोड़ो अब जैसे मान लो सर मैं 1980 में गया असम में ठीक है या यू विल हैव टू एवरीबॉडी विल हैव टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स प्रणब दैट इज द पॉइंट ना कि प्रॉब्लम असाम में ये है कि वो एसमीज जो वहां के इंडिजिनस एसमीज में नहीं कहला जाओगे आप सो नाउ टेक्निकली यू बिकम अ रेफ्यूजी इन असम आप समझ रहे हो टेक्निकली अगर आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप रेफ्यूजी बन जाओगे असम में अभी यहां पर दूसरी चीज अगर आप इन सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज से बिलोंग करते हो तो आप रेफ्यूजी कहलाओगे बट अगर आप मुस्लिम से बिलोंग करते हो तो आप इलीगल माइग्रेंट कहलाओगे अब समझ में आया लिंक क्या है डिड यू गेट द पॉइंट नाउ सो आई विल एक्सप्लेन दिस मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू नाउ अंडर असैम एनआरसी इफ यू आर एक्सक्लूडेड इफ यू आर एक्सक्लूडेड ठीक है दैट मीन्स यू कम आफ्टर ट्वेंटी फोर्थ मार्च नाइनटीन सेवनटी वन ठीक है आफ्टर यू हैव कम फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ मार्च नाइनटीन सेवनटी वन दैट so मींस आप प्रूव अब वो कैसे भी प्रूव नहीं कर पा रहे हो आप, आप मान लो डॉक्यूमेंट नहीं है या जो भी आप प्रूव बेसिकली आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए ठीक है अब क्या इफ यू आर एक्सक्लूडेड एंड इफ यू बिलोंग टू दीज सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज ठीक है फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज जो आपके कैब के अंडर में तो इसको आप देखो यह है अंडर सी ए ट्वेंटी नाइनटीन सो इफ यू बिलोंग टू दीज कम्युनिटीज फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज अंडर सी ए ए Even if you are excluded from NRC, you can be granted citizenship under CAB, yes CA. But criteria is that you have to be from these religious community only. समझ में आया सर मैम इसलिए असम में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक तो आप एनआरसी के अंदर इनको बाहर निकालने के लिए बोल रहे हो दूसरा आप क्या कर रहे हो यहां पे इनको रूट दे रहे हो इन लोगों को कि आप ये सिटीजन बन जाए और एक बार वो सिटीजन बन गए तो दे कैन रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ असैम जहां पर सिक्स शेड्यूल नहीं है समझ रहे हो सर सिक्स शेड्यूल नहीं इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि सिक्स शेड्यूल वाला एरिया समझना बहुत जरूरी है तो नाउ दीज पीपल कैन गेट सिटीजनशिप अंडर कैब कैन रिजाइड इन दिस ग्रे पार्ट ये वाले पार्ट में एनआरसी में आपको प्रूव करना है दैट यू हैव बीन रिजाइडिंग इन असैम ज दिस क्लियर सर एन मैन समझ में आया सबको ये दिस इज द होल इश्यू अबाउट दिस सुरेंद्र सिक्स शेड्यूल एरिया है ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट के जहां पे एक्स्ट्रा पावर होती है इन लोगों के पास ठीक है वहां पे एप्लीकेबल नहीं है बस ये. ठीक है तो अब प्रॉब्लम क्या है कि असम प्रोटेस्ट कर रहा है कि एक तो आप सिक्स शेड्यूल एरिया में नहीं लगा रहे हो चलो ठीक है ठीक है नाउ दे हैव टू प्रूव

बट प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को ज्यादा होगी आपको भी पता है ठीक है एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को ज्यादा होगी बिकॉज अंडर सी आप रिफ्यूजी बन चुके हो अब अगर आप एनआरसी से एक्सक्लूड होते हो तो प्रोवाइडेड यू बिलोंग टू तीस थ्री रिलीजियस कम्युनिटीज आई एम मेकिंग इट मच मोर सिंपल अगेन असैम एनआरसी इसको ध्यान से सुनना ठीक है असैम एनआरसी एक्सक्लूडेड समझ में आया समझ में आ गया मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको दिस इज द पॉइंट। सोहेब समझ में आ गया सोहेब एवरीवन, जो लड़ रहे थे आज ग्रुप पे ठीक है जी <coughs> ठीक है तो अब क्या है इसलिए लोगों को लग रहा है इट इज अ लिटिल डिस्क्रिमिनेटरी क्योंकि अब क्या हो आप इलीगल माइग्रेंट बन जाओगे अंडर दिस ठीक है तो आप जाओगे ऐसा नहीं कि देखो अब इलीगल माइग्रेंट बनकर मतलब ये नहीं कि आपको बाहर भेजा जाएगा आप जाओ केस लड़ो फॉरनर ट्राइब्यूनल जाओ हाई कोर्ट जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ कोई नहीं रोक रहा आपको बट प्रॉब्लम ये कि हासिल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये होगी ठीक है ये तो आपका देखो प्रोविजन है एक्ट के अब इस पे आते हैं इसके कंसर्न पे ठीक है पहला जो कंसर्न है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है दूसरा क्या है कि एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज को बेनिफिट दे रहा है तीसरा क्या है कि ग्राउंड जो दिया गया है कि आप सिटीजनशिप जो है रिलीजन के बेसिस पे दे रहे हो दैट इज वायलेटिंग द सेक्यूलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को जो है आप वायलेट कर रहे हो और दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आप जब ये बोलते हो कि दीज सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज जो बिलोंग कर रही हैं फ्रॉम दीस थ्री कंट्री आप सिर्फ इनको क्यों दे रहे हो पॉइंट ये है म्यांमार के रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं श्रीलंका के तमिलियंस भी हैं हिंदूज भी हैं ठीक है शिया और अहमदियाज जो है अहमदियाज को तो मुस्लिम्स भी रिकोगनाइज नहीं किया जाता है पाकिस्तान में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खुद ही नहीं अलाउ करता सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान में वो नॉन मुस्लिम्स कैटेगरी में डालता है अहमदियाज को श्रीलंका भूटान से जो लोग आ रहे हैं आप उनको अलाउ नहीं कर रहे इनफैक्ट आपने क्रिश्चियंस को अलाउ किया है बट भूटनीस क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं किया इनफैक्ट आपको पता है भूटान में जो ऑफिशियल रिलीजन है वो बुद्धिज्म है तो भूटान में जो क्रिश्चियंस रहते हैं बेचारे उनको इंडिया के बॉर्डर पे आके प्रे करना पड़ता है उन्हें चर्च में भी जाना अलाउड नहीं एक तरीके से मतलब दे दे चर्च चर्च है भी नहीं नॉट नॉट इवन पब्लिकली डिस्प्ले दैट क्रॉस तो अब पॉइंट ये उठा कि आपने अगर करना था अलाउ तो आपने सिर्फ इतने लोगों को अलाउ क्यों करा और इतने लोगों को नहीं करा अलाव और जो एक दूसरा और बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपने सिर्फ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन क्यों माना है आप बोलो भाई पोलिटिकली प्रोसिक्यूट भी होते हैं लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर में भी प्रोसिक्यूट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर में भी फंसते लोग जैसे सीरिया में हो रहा लोग भाग भाग के जा रहे हैं रेफ्यूजी पता है ना आपको सीरिया में सीरिय सिविल वॉर जो हो रहा है या फिर जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हो रहा था तो तमिलियंस भाग के आए तो उनको भी तो प्रोटेक्शन दो आप पॉइंट है ना सर मैम ये पॉइंट है कि आप इन लोगों को क्यों दे रहे हो बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो डिस्क्रिमिनेटरी है ठीक है तो ये हमारा बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 15 को कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी पूरे एनआरसी के बारे में बाद में आएंगे अभी एसाम के देखते है पहले है? आप देखते हैं क्या है? अब देखो मान लो इसका एक लीगल चैलेंज होता है कोर्ट में इस पर बहुत ध्यान से सुनना आप लोग ठीक है लीगल लीगल चैलेंज होगा कोर्ट में तो कोर्ट के पास कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे जिसके अंदर अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट की साइड से डिफेंड डिफेंस आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा जो आर्टिकल 14 को बोलेगा कि वो वायलेट नहीं करता और आर्टिकल 15 तो एप्लीकेबल भी नहीं है क्योंकि आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन के लिए होता है नॉन सिटीजनस के लिए तो है ही नहीं तो जब तक आप सिटीजन नहीं हो तो कैसा डिस्क्रिमिनेशन ठीक है चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आर्टिकल 14 का ही वायलेशन है आर्टिकल फोर्टीन को वायलेट कर रहा है एवरीबडी एग्री करते हैं हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट इट वायलेट्स आर्टिकल फोर्टीन हाउ मेनी ऑफ यू एग्री फटाफट अप दो हाउ हाउ मेनी मेनी ऑफ ऑफ यू यू से से इट आर्टिकल फोर्टीन ओके ऑन वन साइड आपके गवर्नमेंट डिफेंड करेगी कि आर्टिकल 14 वायलेट नहीं हो रहा है दूसरी साइड जो पार्टी है वो डिफेंड करेगी कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है अब आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दिया गया है तो आर्टिकल 14 बोलता क्या है आपका इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कहने का मतलब यह है कि हर कोई लॉ के सामने इक्वल है बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के सरकम अलग है फिर भी इक्वल है एक गरीब इंसान और एक सलमान खान दोनों इक्वल सर्कम में नहीं है दोनों के सिचुएशन अलग है तो दोनों को इक्वल लॉ से नहीं देखा जा सकता तो इसीलिए आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए मतलब कोई अमीर है या गरीब है अगर सेम क्राइम कर रहा है तो सेम पनिशमेंट मिलेगा बट क्राइम करने की जो सरकम थे अगर वो अलग है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा मतलब दोनों के सरकम को भी देखना पड़ेगा एक बेचारे ने अपनी जान बचाने के लिए किया होगा एक ने शायद नशे की हालत में गाड़ी चढ़ा दी होगी अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आर्टिकल 14 के अंदर एक्सेप्शन है एक जिसको हम बोलते हैं कि इसमें परमिसेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है परमिशिबल क्लासिफिकेशन मतलब आप इसमें एक सर्टन एक्सेप्शन बना सकते हो लोगों को अलग अलग ग्रुप करने के लिए जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये थोड़े लीगल टर्म्स है मुझे समझ में आता है कि बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा बट ये कुछ लीगल टर्म्स होते हैं ठीक है जो स्पेसिफिकली यूज होते हैं तो परमिसिबल क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि आप हर लॉ को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते दैट विल बी अनफेयर तो लॉ को आप सिलेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो फॉर सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल प्रोवाइडेड वो लॉजिक पे हो और प्रोवाइडेड वो प्रूव करे उसके ऑब्जेक्ट को और उसी को हम बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का क्लॉज अंडर आर्टिकल 14 और गवर्नमेंट इसी पे डिफेंड करेगी और हो सकता है ये खड़ी और ये जो प्रूव भी हो जाए और दे कैन स्टैंड एंड दे कैन देर बी एबल टू प्रूव दिस इन द कोर्ट कैसे देखो ऐसे

ऑब्जेक्ट क्या है सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ द लॉ शुड बी प्रूवन विद फैक्ट्स आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो यहां पे सर क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है क्लासिफिकेशन हो रहा है कि आप सिक्स रिलीजियस ग्रुप को क्लासिफाई कर रहे हो एज वन रेफ्यूजीज ठीक है रेफ्यूजी क्लासिफाई कर रहे हो कमिंग फ्रॉम थ्री डिफरेंट कंट्रीज दे आर नाउ कॉल्ड एज रेफ्यूजी और आप इनको क्या बोल रहे हो कि ये रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं उन तीन कंट्रीज में इसलिए हम इनको सिटीजनशिप दे रहे हैं बिकॉज दीज पीपल आर माइनॉरिटी इन दीज कंट्रीज ये भाग के बेचारे कहां जाएंगे भाग के वापस इंडिया ही आएंगे क्योंकि और किसी कंट्री में इनको नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो सिग्निफिकेंट हिंदू पॉपुलेशन थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वो 22 परसेंट अठारह परसेंट थी जो गिर के सिर्फ दो परसेंट रह गई है या तीन परसेंट रह गई है तो कहां गए ये लोग या तो इनको कन्वर्ट करा दिया गया फोर्सफुली या फिर इनको मार दिया गया प्रोसिक्यूट कर दिया गया ये बेचारे भाग गए कहीं तो इतनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम कैसे हो गई इतने लोगों की तो ये क्लॉज में शायद Court, शायद सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट बोल रहा हूं इस लॉ को वैलिड बोल सकती है क्योंकि ये अलाउड है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्योंकि यहां पे अगर आप देखो सी आपको ना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको आप डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से मत सोचो यहां पे गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही है कि हम मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं यहां पे बोल रही है कि हम इन ग्रुप्स को इंक्लूड कर रहे हैं आप समझो देर इज अ डिफरेंस इन द लॉ जब लॉ बनाया जाता है तो उसकी जो कॉनोटेशन होता है ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इन लोग को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं इन लोगों के लिए ग्यारह साल अभी भी एप्लीकेबल है बट बिकॉज दीज सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज ठीक है दीज सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज Are a minority in these three countries. That is why it should stand the ground of intelligible differentia. And the object sought is to give them protection, and the object is justified. If this is presented in the court, I will not be surprised if the Supreme Court will uphold it. Supreme Court might not. Might not Uh, uh, you know uh, reject this it might uphold it this is what is और ये बेसिक स्ट्रक्चर कहीं से भी वायलेट नहीं हो रहा है इट इज दे आर सेइंग क्योंकि उन, देखो courts के पास data है डेटा कहां से आएगा गवर्नमेंट से आएगा गवर्नमेंट के पास डेटा अब मुझे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान का डेटा कहां से आया जो वो बोल रहे हैं कि 22% से 5 हो गए 18 से 3 हो गए ऑफिशियली कहीं से डेटा तो मिला होगा उन्हें तो अगर वो ये डेटा ऑफिशियली प्रूव कर पाते हैं कोर्ट में तो सर ये शायद रिजेक्ट नहीं होगा समझ रहे आप तो आई होप पीपल गॉट क्लैरिटी ऑन दिस इश्यू और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो लोगों को पता नहीं है और समझ नहीं रहे और सोच नहीं रहे ये, ये जो बिल है पूरा ये जो पूरा का पूरा बिल है वो ये नहीं बोलता कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ये बिल बोल रहा है वी आर गिविंग प्रोटेक्शन टू religiously persecuted minorities. तो समझो लॉ ना कभी भी जब पास होता है और सुप्रीम कोर्ट में टेस्टिंग के लिए जाता है तो ना उसका पहले देखा जाता है वर्डिंग क्या है वेदर वो पॉजिटिव पो, इमेज पो, पो, पोर्ट्रे कर रहा है या नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा है अगर इसमें ये होता कि नहीं मुस्लिम्स को हम अलाउ नहीं करेंगे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो तुरंत शटडाउन हो जाता अगेंस्ट दी सेकुलर नेचर ऑफ इंडिया बट यहां पर आप कर, क्या कर रहे हो वैलिड पॉइंट है कि इन रिलीजियस कम्युनिटीज को आप उन कंट्रीज में माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है क्योंकि वहां पे इस्लाम इज दी ऑफिशियल रिलीजन ठीक है वहां की इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है और वहां पे डेटा है गवर्नमेंट के पास कि भाई 22 परसेंट से 2 परसेंट रह गई पॉपुलेशन तो बेचारे हिंदूज का तो होमलैंड इंडिया ही है या सिख का भी होमलैंड तो इंडिया ही है बुद्धिज्म का जन्म तो यहां ही हुआ है इंडिया में गौतम बुद्ध तो यही प्रीच करके गए हैं तो ये बेचारे कहां जाएंगे ये वापस इंडिया ही तो आएंगे ये वापस इंडिया ही आएंगे सोहेब कैसी बातें कर रहे हो नेपाल में पैदा हुए थे का है, और बाकी अब देखो दो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए एड्रेस करने के लिए फटाफट समझा देता हूं जितने लोग ऑनलाइन बचे फटाफट समझप दे दो यहां तक समझ में आ गया यहां तक समझ में आ गया दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे मैम वो बहुत जरूरी है समझना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये है कि अब कल को कोर्ट ये बोल सकती है जैसे प्रणब ने बोला कि आपने अहमदिया को क्यों नहीं दिया आपने तमिलियंस को क्यों नहीं दिया आपने बुटनीज क्रिश्चियंस को क्यों नहीं दिया ठीक है गवर्नमेंट ये बोल देगी गवर्नमेंट ये बोल देगी बहुत गौत केयरफुली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा हमारे पास इनका डेटा नहीं है हम डेटा डेफिशिएंट हैं ठीक है तो हम इसके ऊपर बता नहीं सकते थे और ये पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 11 की हम सिटीजनशिप किसको दें किसको ना दें कहां तक एक्सटेंड करें पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 11 की हम लॉ कहा लॉ का जो एम्बिट है वो कहां तक बना सकते हैं कहां तक नहीं बना सकते ये पार्लियामेंट की अब्रिज पावर है जो अनब्रिज पावर है जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कोई लॉ में क्या क्या चीजें आ सकती है क्या क्या नहीं आ सकती है आप टेस्ट करो उसको कोर्ट में जुडिशियल जुडिशियल तो हो ही रही है उसकी तो पार्लियामेंट की पावर है कि एक सर्टेन बेनिफिट को किस लोगों को दिया जा सकता है किस लोगों को नहीं दिया जा सकता है पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो फंडामेंटल राइट right को वायलेट नहीं करना चाहिए अगर फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रही है तो ये बिल पास हो गया कोर्ट में मतलब ये एक्ट जो है अपोल्ड हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है कि अहमदियाज को नहीं दिया ये नहीं दिया गवर्नमेंट बोलते कि हमारे पास डेटा नहीं है इनका हम नहीं दे सकते प्रॉबेबली इन फ्यूचर वी कैन गिव दम बट अभी नहीं दे सकते हमारे पास है नहीं डेटा दैट इज द पॉइंट नेहरू लियाकत अग्रीमेंट विल नॉट होल्ड ग्राउंड फॉर देम बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग गवर्नमेंट तो यही बोल रही है ना नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था नेहरू लियाकत पैक्ट ये बोलता था जब साइन हुआ था कि ये लोग प्रोटेक्शन देंगे अपनी माइनॉरिटीज को नाइनटीन फिफ्टी में साइन हुआ था इसको डेली अग्रीमेंट भी बोलते हैं तो इन्होंने बोला था कि हम दूसरे एक दूसरे की कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे अब सरकार तो यही बोल रही है कि अगर ऐसा था तो हमारे 22 परसेंट हिंदू 2 परसेंट कैसे रह गए पाकिस्तान में या बांग्लादेश में 18 परसेंट हिंदू जो है 1 परसेंट कैसे रह गए That means you have not given protection to minorities. So, ये तो pact वैसे ही cancel हो जाएगा उसके सामने court के क्योंकि technically these countries have not not have have not upheld the Nehru Liaquat Pact. मतलब पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो government will have to clarify in Supreme Court what was the authentic source data that they got it. देखो डेटा कहां से आएगा जो जो एम्बेसीज में रजिस्टर्ड होंगे इन कंट्रीज में वहीं से तो डेटा आया होगा सर इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इट इज अ नॉर्मल पार्लियामेंट्री बिल इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यून अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर रैटिकेशन ऑफ स्टेट मैंने बहुत पहली चीज़ बता दी थी ठीक है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेडीज एंड जेंटमैन ये है आपका आई होप आपके आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी ठीक है जो मिसकनसेप्शन या डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और जो भी आपसे फालतू के क्वेश्चन करे या जो जबरदस्ती की लड़ाई करे उनको प्लीज़ समझा देना कि ये सब चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है सिर्फ जो एक कंसर्न जो बहुत बड़ा अग्री करता हूँ के के तो कर कुछ लॉ को वायलेट करती है ठीक है सो आई होप दिस यूजफुल अगर आपको ऐसे ही सेशन मेरे अटेंड करने हैं है, पॉलिटी के लेक्चर्स लेता हूँ और करंट अफेयर्स के तो जो लोग नए हैं प्लीज अन प्लस पे सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है इसको लेके तो आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक मैसेज uh, कर सकते हैं या फिर मेरी टेलीग्राम पे आई है डी सिंह टू सेवन आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ठीक है डी एट द रेट ऑफ डी सिंह टू सेवन ठीक है आई वुड लव इफ यू कैन टेक सब अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन ताकि ऐसे ही कोर्सेज का बेनिफिट मिलता रहे बाकी पॉलिटी की अगर इंडिविजुअल क्लासेस करनी है तो प्लीज़ आप मैसेज करिए टू ईयर कोर्स भी मैंने बताया ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम लोग उन सब चीज़ों का सो थैंक यू सो मच आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल प्लीज़ लोगों को जाके ज्ञान बांटें ठीक है फालतू के ज्ञान मत लें जो लोग बता रहे हैं ठीक है एंड इस क्लास के बाद आपको रेटिंग का मैसेज आया होगा रिव्यू का आया होगा तो प्लीज़ उसको रिव्यू करें अपने फीडबैक जरूर शेयर करें कि हाउ did यू लाइक द क्लास आई वुड अप्रिशिएट इट आप चाहें तो मुझे डी सिंह टू सेवन टेलीग्राम आई डी भी मैसेज कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच एंड बाकी जो मेरे पर्सनल प्लस सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं इसकी स्लाइड्स दे दूंगा uh, प्लस सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे ठीक है रोहिंग्याज कोर्स माइनॉरिटी हैं इन इन म्यानमार, ठीक है उनको ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं मिला सिटीजनशिप के लिए सो थैंक यू सो मच एवरी हैव अ गुड नाइट थैंक यू शब्बा खैर शुभरात्रि बाय गाइस